पूर्व शिक्षा मंत्री व वर्तमान विधायक वासुदेव देवनानी ने राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री व अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने आज पत्रकारों से बात करते हुए राजस्थान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देवनानी ने बताया कि राजस्थान सरकार तुष्टिकरण की नीति अपनाते हुए धर्म की आड़ लेकर पहली बार ऐसा करने जा रही है। उनका कहना था कि राज्य सरकार के आदेश से कि रोजा रखने वालों को ड्यूटी पर ना लगाया जाए, जबकि नवरात्रि के दौरान भी ड्यूटी लगाई गई थी, सरासर तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, जिसकी मैं निंदा करता हूं। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार पर तथ्य छुपाने का भी आरोप लगाया। उनका कहना था कि सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों के प्रदेश में आने के लिए सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, सीमाओं को सील कर दिया है, जिससे प्रवासी राजस्थानी अटके हुए हैं, जिनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन रेड जोन होने के बावजूद जिस मात्रा में टेस्टिंग करनी चाहिए उस मात्रा में टेस्टिंग नहीं कर पा रहा है। जितनी टेस्टिंग हो रही है उसमें भी रोजाना कई कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। उन्होंने अजमेर से लौटे जायरीनों का उल्लेख करते हुए कहा कि अजमेर से भेजे गए जायरीन जब असम पहुंचे तो उसमें कई जायरीन पॉजिटिव पाए गए, लिहाजा वे जहां ठहरे थे उन स्थानों को जिला प्रशासन सैनिटाइज करवाए और वहां के स्टाफ को चिन्हित कर उनकी भी जांच कराए, अन्यथा अजमेर से बड़ा विस्फोट होगा जिसकी जिम्मेदार जिला प्रशासन की होगी। आज जब सारा राष्ट्र कोरोना की महामारी के लिए संघर्ष कर रहा है, ऐसे समय राजस्थान सरकार पूर्णतया तुष्टिकरण में लगी हुई है। पहली बार है जब राज्य के शिक्षा मंत्री ने इस कोरोना में ड्यूटी न लगाने के लिए धर्म की आड़ ली है। उन्होंने कहा है कि किसी भी रोज़ा रखने वाले की इस समय ड्यूटी न लगाई जाए, जो कि उसके पहले कभी भी नवरात्रि रहे हों या कोई और त्यौहार रहे हों, धर्म के आधार पर कर्म का विभाजन कभी नहीं रहा। ये पहली बार करके उन्होंने तुष्टिकरण किया है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। और साथ ही राज्य सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए केवल केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। आज भी कई मंत्रियों ने जब वीसी की, वह भी केवल अधिकारियों की जनप्रतिनिधियों से उन्होंने बुलाया नहीं, पूछा नहीं और उनको जोड़ा नहीं, और साथ में उनके बाद भी इस प्रकार के केंद्र पर आरोप लगाए, जबकि केंद्र ने आज तक जितना राजस्थान को हर मुद्दे पर दिया है उतना कभी भी पहले नहीं मिला। मैं मांग करूंगा कि राज्य सरकार इसको स्पष्ट करे कि आज तक उसको केंद्र से क्या क्या मिला है और राज्य सरकार ने अपनी जेब में से किस मद में कितना खर्च किया है, तो जनता के सामने स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और जबकि वास्तव में राज्य सरकार की और अन्य लोगों की मांग पर केंद्र सरकार ने ट्रेनें भी चलाईं, साथ में फ्लाइट से भी अन्य राष्ट्रों से भारतीयों को यहाँ ले आए, उसे मोदी के प्रति आभार व्यक्त करना तो दूर रहा, लेकिन अन्य अनेक प्रकार के केवल आरोप प्रत्यारोप लगा करके अपनी विफलताएं छिपा रहे हैं। और उसी की कड़ी में अजमेर प्रशासन भी पूर्णतया विफल साबित हुआ है। मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि हाल ही में जो लोग जायरीन बाहर गए हैं, क्योंकि अजमेर में 4000 के आसपास जायरीन थे और उनको अजमेर से बाहर भेजा है, अभी हाल ही मालूम पड़ा कि जो आसाम जायरीन पहुंचे उनमें से 5 पॉजिटिव आए हैं, पता नहीं और कितने जायरीन कहां पॉजिटिव आएंगे। इसलिए सरकार को तुरंत जिन गेस्ट हाउस में वो रुके हुए थे सबको सैनिटाइज कराए, गेस्ट हाउस के मालिक और वहाँ जो काम करने वाले लोग थे उनका टेस्ट कराए और इस क्षेत्र में एक सघन टेस्टिंग का अभियान चलाए, नहीं तो कभी भी ये एक विस्फोट धारण कर सकता है। अभी अजमेर निश्चित रूप से एक प्रकार के विस्फोट की स्थिति में खड़ा है, रोज नित्य नए इसमें संक्रमित लोग बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय प्रशासन अपनी निश्चित रूप से डेली होने वाली जाँचों को स्पष्ट करें और रोज़ अखबार स्पष्ट करे कि आज कितने तो सैंपल लिए गए, कितने की जांच कितने निगेटिव आए, ताकि स्थिति पारदर्शिता बनी रहे। इस समय ये पता ही नहीं लगता कि कितने नमूने लिए गए, उसके आधार पे नमूनों की संख्या बढ़े और सुरक्षा की दृष्टि से आगे बढ़े, और इस कारण से जायरीन जो जहां गए हैं
वह तो वहाँ खुद पहुँचे, लेकिन प्रवासी मजदूरों के लिए जब अशोक जी ने घोषणा की, एक ओर तो प्रवासी मजदूरों को बाहर भेजा और अचानक ही सीमा को सील कर दिया, इसलिए बाहर से आने वाले राजस्थानी आज इस सीमाओं पर पड़े हैं, कितने दुखी हैं इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार की नीति सोच समझ के बनाई जाए, किसी भी राजस्थानी को बाहर रोके नहीं, जांच करें, बाकी सब कुछ करें, नहीं तो सीमाओं पे रोकना निश्चित रूप से अमानवीय है। अतः मैं मांग करता हूं कि इन सबको आने दिया जाए, जांच करें या क्वारंटाइन करें, जो भी एक सिस्टम है उसका पालन करें, लेकिन सीमा बंद करके सीमा पे रोके रखना निश्चित रूप से जहाँ अमानवीय है वहाँ अन्याय।